हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इतना ज्यादा रुलाया, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी। इसलिए मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इसके साथ, ताकि आप लोगों के होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए। हंसी आई नहीं आई बताना जरूर कमेंट करके। इतना सारा प्यार भेजा है आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो पे, 2000 से ज्यादा कमेंट्स, इंस्टाग्राम, ईमेल, फेसबुक भर दिया है आप लोगों ने। अभी तक रिप्लाई कर रही हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे करूँगी सबको रिप्लाई। थैंक यू सो मच, लाइक थैंक यू वर्ड एक्चुअली बहुत छोटा है, और मुझे सच में नहीं पता कि आप लोगों ने जो इतना सारा प्यार दिया है, मैं डिज़र्व भी करती हूँ कि नहीं, बट पता नहीं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मेरे मौसा जी हमेशा एक गाना गाते थे जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होता था घर पे, इस दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। एक्चुअली जब आप लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़े ना, मुझे लगा कि हमारा प्रॉब्लम तो सच में बहुत छोटा है, और ऐसा नहीं है कि हम थैंकफुल नहीं है। जब प्रॉब्लम थी उस टाइम पे भी हम काफ़ी थैंकफुल थे, ग्रेटफुल थे कि हम सब साथ में हैं, हेल्दी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बट है ना कि जब आप लोगों से बात करने बैठी, सारी चीजें रिकैप हो गई, तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई। वैसे भी हम बड़े इमोशनल किस्म के प्राणी हैं, सेंटी काइंड ऑफ, तो इसलिए आंसू निकल गए थे। बट आप लोग ही बोलते हो अपने इमोशंस को भी दिखाया करो सुची, तो बस फर्स्ट और लास्ट टाइम अब मैं कभी भी नहीं रोने वाली हूँ कैमरा के सामने, क्योंकि आप लोगों को मुझे बिल्कुल नहीं रुलाना। और हाँ, बहुत लोगों ने शायद वीडियो एंड तक नहीं देखी, या फिर स्किप कर गए होंगे, या फिर मुझे रोते हुए देख के ज़्यादा आप लोग देख नहीं पाए, तो बहुत लोगों को गुड न्यूज़ पता नहीं चली। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और गुड न्यूज़ भी बताऊंगी, तो काफ़ी लोगों को गुड न्यूज़ नहीं पता चली। तो गुड न्यूज़ ये थी कि अनुज को जॉब मिल गई है और अपने ही फील्ड में मिली है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमें मूव करना पड़ेगा, और हम जहाँ मूव कर रहे हैं फिर से वहाँ ठंड तो खूब सारा स्नो दिखाऊंगी अगर हम मूव करते हैं तो 95% चांसेस हैं कि हम मूव कर रहे हैं। 5% कुछ अगर मिराकल हो गया तो नेक्स्ट वीक तक पता चलेगा, क्योंकि एक इंटरव्यू ऑलरेडी 2-3 दिन पहले अनुज देके आए हैं यहाँ पे, तो एंड एंड तक कोशिश जारी है, ननाइमो छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तो उसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे तक, तो बट अभी तक तो यही है कि जो हाथ में ऑफर है, अपने फील्ड में है, अच्छी कंपनी है, तो मूव करना है। और हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, कब मूव कर रहे हैं, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो के कमेंट्स के ऊपर कुछ आपके भावनाएं। अरे गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट गाइस, लाइक इतना थैंक्स, बहुत छोटा, हां मतलब इतना, मतलब हम लोग पढ़े जा रहे हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि इतनी बड़ी सिचुएशन है, लेकिन आपके कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं कि लगता है कि जाए, हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। सारे जो अपने एक्सपीरियंस है शेयर किए, उससे बहुत हिम्मत मिलती है कि सच में हमारा प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो अगर हम मूव करेंगे तो सिटी का नाम है प्रिंस जॉर्ज, तो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वेदर, जिस वेदर से भाग के आए थे ना, सिमिलर, इट्स एग्जैक्ट सिमिलर टू एडमिंटन वेदर, वही 6 to 7 months स्नो, -20, -30। मेरी फ्रेंड बोलती है वाह सुची, लौट के बुद्धू घर के आया, रुक जा। किसने बोला? मानसी, देखते हो ना आप लोग उसके व्लॉग्स। एग्जैक्टली लौट के बुद्धू घर को आए, नहीं लौट के बुद्धू घर को नहीं आए, लौट के बुद्धू दूसरे घर को आए। कम से कम एडमिंटन जाते तो इस बात की खुशी होती कि चलो अपने घर आए, पर यहाँ पे तो वो सीन है। चलो बट कोई भी हो, जॉब मिली है, अभी तक जो हाथ में है वो यही है। अगर मूव करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ फाइनलाइज नहीं होता है, तो हम एंड ऑफ अगस्त तक मूव कर जाएंगे। और बीसी में ही है वो, जैसे ननाइमो बीसी में है, तो बट वो नॉर्थ साइड ऑफ बीसी है, लाइक वैंकूवर से 9 hours की ड्राइव, तो बिल्कुल एडमिंटन और वैंकूवर के बीच में है, ऐसा लगा लो आप।
और हाँ, आप लोगों में से प्लीज कोई प्रिंस जॉर्ज का है तो बता दो, एक तो मुझे मिल गई है इंस्टाग्राम पे, उसका मैसेज आया था, बट आप लोगों में से कोई है प्रिंस जॉर्ज का प्लीज बताना, बहुत आराम मिलेगा. मतलब एक वही है कि लगता है कि चलो कोई है वहां पे, कुछ पूछना है उस जगह के बारे में, कुछ जानना है. इनिशियल सेटलमेंट में काफी हेल्प हो जाती है ना, कि आपको चीजों का पता लग जाता है तो जल्दी सेटल हो जाता है. किंतु पता तो वैसे भी लग गया था, खुद ही सर्च कर ले सब पता चल जाता है यार. आजकल तो हम मतलब इतना घूम चुके हैं, हम तो घूमने के मामले में मतलब PhD कर लिया हमने मूविंग के मामले में, तो सब कुछ हो जाता है. बस हाँ, टाइम लगता है, एक मेंटल पीस रहता है कि चलो कोई है जानने वाला तो कुछ भी हुआ तो जस्ट पूछ सकते हैं. तो ये है अभी तक की कहानी, आगे जैसा होगा जो होगा आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा. चलो जाओ काम पे. इनको कहीं काम पे जाना है, मैंने रोक के रखा था. ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाए थे पोहे, बड़े दिनों बाद पोहे बनाए थे. इंडियन स्टोर से बहुत ही फ्रेश फ्रेश घिया मिला था, तो कल ही लेके आए थे, तो मैं सोची हूँ जल्दी बना लेती हूँ आज ही, क्योंकि फिर रख दो ना घिया तो सूख जाता है, फिर उतना टेस्ट में मज़ा नहीं आता, तो घी के कोफ्ते बनाते हैं. और मेरे पास ना धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो एक बड़ा पैकेट रखा हुआ है साबुत धनिया का, तो मैं सोची हूँ थोड़ा सा धनिया रोस्ट करके पाउडर बना के रख लेती हूँ कि थोड़े दिन चल जाएगा, नहीं तो कभी जल्दी जल्दी में कुकिंग करना हो ना फिर लगता है कि नहीं पाउडर तैयार है तो ठीक है. इसमें नमक डाल के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए. घी में मैंने डाला है 4-5 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, हल्दी, रेड चिली पाउडर, जिंजर ग्रेट करके, अनियन, अजवाइन और धनिया पत्ती. नमक नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी घी में काफ़ी नमक है. ये देखो कितना बड़ा तरबूज. कॉस्को से लाए थे ना, सुपर स्टोर से. कैसा है, स्वीट है? रेड इज स्वीट, व्हाइट वाला नहीं खाते हैं, नहीं तो पेटू दुखेगा. ब्लड टेस्ट की है. No, it tastes like strawberry. अच्छा चलो खाओ. आज सुबह जूस की दुकान नहीं खुली थी इसलिए आफ्टरनून में बन रहा है इस बड़े से वाटरमेलन का जूस. Never seen you clearer than that. Put a watermelon on my water. Beach pe milta hai aise. Ye raha watermelon juice. Cheers. You can also eat it. काफी स्वीट है और इतना बड़ा है ना कि अगर आप पीसेस कट करके खाओ फिर तो पता नहीं कब तक खत्म होगा. तो हमने थोड़े पीसेस भी खा लिए, थोड़ा जूस भी बना लिया और फिर भी आधा बचा ही हुआ है. Eat it and drink it. I don't want to eat the solid type and the liquid type. अब इतने सारे पीसेस के लिए मुझे फ्रिज में जगह बनानी पड़ेगी. ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसीलिए मुझे बिग पीस छोटे छोटे पीसेस में कट करने पड़े क्योंकि बड़ा वाला तो आएगा ही नहीं फ्रिज में. High, floating somewhere up in the clouds.
कोफ्ते की ग्रेवी मैं बनाती हूँ, घी में थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा डाला है, अनियन और जिंजर गार्लिक, ये अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर मैंने टमाटर ऐड किया है। इसके बाद मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। नमक मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि जो घी का पानी था ना वो भी ऐड करने वाले हैं। तो ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर मैंने इसमें दही डाला है थोड़ा सा, फिर मैंने घी का पानी ऐड किया है, टेस्ट कर लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और फिर खूब सारा पानी, क्योंकि इसकी ग्रेवी ना काफ़ी पतली बनती है, क्योंकि जैसे ही हम कोफ्ते ऐड करते हैं ना ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है। I don't know what you did to my heart. You touched my soul like a phantom, and you did it right from the start. Like nobody is watching. और ये देखो छोटू सा एक गेंदा फूल आया है और एक कली भी है। पता नहीं ये वाला प्लांट देखो सबसे छोटा है बट इसमें फ्लावर आ गए हैं, और अभी ये सब इतने बिग हो गए हैं बट इसमें फ्लावर नहीं आया। हेलो हेलो कल तो खूब जम के बारिश हुई है तो ठंडा हो गया था, कल रात को तो ब्लैंकेट निकालना पड़ा। अभी सुबह से हल्की धूप हो गई है तो ठीक है, अच्छा वाला वेदर हो गया। हो रहे हैं, लंच बन चुका है, इन लोगों की मस्ती ऑन है, देखती आप लोगों ने। और अनुज कहीं गए हुए हैं काम से, तो बस हम वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, फिर हम लंच करेंगे। इनको बोल रही हूँ जाओ नहा लो एक एक करके। और कल रात को हमने शकुंतला देवी मूवी देखी, अच्छी लगी। मैं बीच बीच में सो गई थी, वैसे अच्छी थी, लाइक थोड़ा लेट हो गया था तो मुझे नींद आ रही थी, फिर अनुज उठा रहा था तो जा सो जा, नहीं नहीं देख रही हूँ, बहुत दिन बाद मूवी देखी थी कोई, तो मैगी भी खाई थी और मूवी देखी थी काफ़ी टाइम बाद। कल ना एक्चुअली एडमिंटन में जहाँ हम रहते थे हमारे नेबर थे, तो वो लोग लाइक इंडियन नहीं है बट वो लोग यहाँ पे पूरा बीसी आइलैंड घूमने आए हुए थे, तो शाम को घर आए थे तो बड़ा अच्छा लगा, पुराने दिन बिल्कुल यादें ताज़ा हो गई। शाम को हम सब बाहर खड़े होके गप्पे मारते थे, बच्चे प्ले करते थे, तो बस वो लोग गए। फिर मैंने वैसे ही पकौड़े, पनीर पकौड़े ये सब बनाए थे ना, तो वो सब खा के इतना हैवी हो गया, और बच्चों के लिए पास्ता रखा हुआ था तो बच्चों ने पास्ता खा लिया, मेरा कुछ खाने का मन नहीं किया, तो बस ये लोग सो गए। उसके बाद मूवी देखने बैठे तो कहा चलो मैगी बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया। कल से वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा है ना, तो ब्लैंकेट पे सोने में इतना कोजी कोजी इतना मज़ा आता है। सब अपने अपने कामों में बिजी थे, मैं थोड़ी देर ब्लैंकेट पे ऐसी लेटी हुई थी, वीडियोस देख रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस कोई आके ना चाय पिला दे, तब से अनुज बोल रही चाय बनाओ चाय बनाओ, उठना पड़ेगा। और इस ब्राउनी को मैं पिलो बना लेती हूँ, बड़ा ही सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, बहुत मज़ा आता है। बहुत इग्नोर किया बट अब चाय बनानी पड़ेगी, अनुज के फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो फ़ोन पर बिजी है, चाय बनानी पड़ेगी, सर भी दर्द हो रहा है। और ये दोनों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, दीज गाइज आर बॉदरिंग मी। ओके विश ले लेके एक स्टिक, वो हॉकी स्टिक होता है उसको लेके और इसके पीछे पीछे भाग रहे कि इसको हिट करने के लिए, बहुत शैतान हो फनी। इट्स वेरी फिर चोट लग जाएगा, फिर मुझे आगे कंप्लेन करेगी कि केविश इज हिटिंग मी। ये देख मंकी को ये हमारे बक्से इसी में इनको पैक करके भेज देते। ये देखो मंकी को केविश अगर चोट लगी ना तो फिर देखना आप। हाँ पानी ये बिस्किट पे केचप लगा के, ये तो हम बड़े करते थे छोटे होते। और अरे क्यूकम्बर, हाँ क्यूकम्बर रख लो, क्रैक जैक 50-50 पे वो चीज रख के। I don't like being on my own, I could use someone to hold, and I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold, cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away just to figure out who you are, and I'm in this empty house with your pictures on my wall,
यशा यहाँ पे हॉपस्कॉच खेल रही है। हम लोग ना छोटे होते खेलते थे ऐसे ही बना के, नंबर्स नहीं होते थे। मैं नंबर्स नहीं लिखते थे और ऐसे कित कित बोलते थे उसको, पता नहीं कुछ लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्डिंग्स बोलते थे, बट ऐसे ही एक सांस में कित 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 बोलते हुए पूरा करना होता था। और ये चला रहा है बाइक, बाइक की कीज खो गई थी, बड़े दिनों बाद बाइक की कीज मिली है तो फाइनली ये बाइक चला रहे हैं। और थोड़ी देर ऐसे ही बाहर वेदर को एंजॉय करते हैं, पता नहीं ये वेदर छोड़ने का टाइम जल्दी आ जाए। वेदर यहाँ का डेफिनेटली ज़रूर मिस करूँगी, यहाँ का नेचर। वकेशन पे आए थे हम 2 साल के लिए, अगर जाना हुआ तो बस वकेशन ख़त्म, स्ट्रगल विंटर्स की स्ट्रगल शुरू, कनाडा की असली वाली फीलिंग आ जाएगी जैसे ही स्नो मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय। I don't like being on my own, I could use someone to hold, and I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold, cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore.